क्या आपके विंडोज 7 ओएस का पासवर्ड भूल गए हैं? कोई बात नहीं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप विंडोज 7 के पासवर्ड को रीसेट करने का तरीका बताने जा रहे हैं। स्टेप 1, कंप्यूटर के ऑन रहते हुए सीपीयू के पावर बटन को 10 सेकंड तक दबा कर रखें, कंप्यूटर बैंड हो जाएगा। स्टेप 2, कंप्यूटर का रिपेयर विंडो सामने आएगा। स्टेप 3, सीपीयू को रिपेयर विंडो में जाने दें। स्टेप 4, आपके सामने यह विंडो आएगा। व्यू प्रॉब्लम डिटेल पर क्लिक करें। व्यू प्रॉब्लम डिटेल पर क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करके लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिसके लास्ट में टेक्स्ट नोट पैड विंडो आएगा। फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज को सेलेक्ट करें, लिखा है। टाइप में जहां टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यूज क्लिक करके और सेलेक्ट ऑल का चुनाव करें। एक्सप्लोर में जाकर कंप्यूटर सेलेक्ट करें। उस ड्राइव को सेलेक्ट करें जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। स्क्रीन पर दिखाई जा रहे पाथ तक /windows/system32। यहां पहुंचन के बाद utilmn फाइल को कोच कर यूज रीनेम कर utilmn टू बना देन। फर cmd सर्च करें, फर उसके नाम को utilmn से बदल देन। सारा विंडो बैन कर देन। फर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देन। कंप्यूटर चालू होने के बाद स्क्रीन के डाइन और जो यूटिलिटी मेन्यू का आइकॉन है यूज क्लिक करें, आपके सामने डॉस विंडो खुलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट में नेट यूजर लिखकर एंटर करें। अब नेट यूजर के बाद आपके विंडोज 7 का यूजर आईडी लिखकर एंटर करें। उसके बाद पासवर्ड बनाने को कहेगा। दोबारा एंटर करें। एंटर करें और आपके यूजर में नल पासवर्ड सेट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर पासवर्ड इज रीसेट। जस्ट एंटर ओनली एंड योर यूजर गॉट लॉग इन। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।